नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम बाघ और हाथी के बारे में चर्चा करेंगे और उनके बीच की विभिन्नताएं और विशेषताएं समझेंगे। बाघ और हाथी दोनों ही भारतीय वन्य जीवों के महत्वपूर्ण अंग हैं। 8. शारीरिक स्वरूप। बाघ एक मांसाहारी जानवर है और इसका शरीर लंबा, ताकतवर और सुनहरा होता है। इसकी बड़ी और पर्दादार आंखें होती हैं जो रात में उत्तेजित हो जाती हैं। बाघ के पैर सजीव होते हैं जो इसे तेज दौड़ने में मदद करते हैं। हाथी भूमि पर सबसे बड़ा जानवर है और इसके ऊंचे कान और बड़े दांत उसकी पहचान होती है। इसकी लंबाई और भारी वजन इसे अन्य जानवरों से अलग बनाते हैं। हाथी के लंबे और मजबूत पैर होते हैं जो उसे कठिन भूमि पर चलने में मदद करते हैं। आहार। बाघ मांसाहारी होते हैं और मुख्य रूप से हिरण, नीलगाय और बारहसिंगा को शिकार करते हैं। इसकी तेज दृष्टि और गति के कारण बाघ अपना शिकार बड़ी तेजी से पकड़ सकता है। हाथी हर्बीवोर होते हैं और उनका प्रमुख आहार घास, पत्तियां और फल होता है। इनके बड़े दांतों की मदद से हाथी अपने आहार को निकालते हैं और इसमें उनकी बड़ी संख्या के संघर्ष भी शामिल हैं। 3. सामाजिक संरचना। बाघ अकेले जीवन जीते हैं और इसकी सामाजिक संरचना अत्यधिक निरंतरता पर आधारित होती है। इसके पुरुष बाघ अपने क्षेत्र को छिंगारी से मारकर अपने अधिकार की निगरानी करते हैं। हाथी समूह में रहने वाले जानवर होते हैं और इसके नेतृत्व में एक महाराजा होता है। ये समूह मिलकर सुरक्षित रूप से भ्रमण करते हैं और सहारा प्रदान करते हैं। 4. रोमांचक तथ्य। बाघ अपनी तेज तरीन गति और धारावाहिक स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। इसकी चार पैरों की तेज तरीन गति और बड़े दांतों की मदद से यह अपने शिकार को बड़ी दूरी से पहचान सकता है। हाथी दुनिया के सबसे बड़े भूमि जानवरों में से एक है। इसके बड़े आकार, लंबे दांत और विशेष सामाजिक संरचना के कारण यह अन्य जानवरों से अलग है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में।